ऑब्जेक्टिव शीट 27 में इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने लास्ट टाइम करवाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक किसको इलेक्ट्रॉन को हमने फायर कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करना, पर तुम उसको ऑपोजिट मूव कर रहे हो तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, इसकी स्पीड कम होगी। तो ये एनर्जी को क्या करेगा, लूज कर देगा, वेलोसिटी भी लूज करेगा, एनर्जी भी लूज करेगा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका स्पेसिफिक चार्ज अल्फा है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज है। और वेलोसिटी वेक्टर गिवन है वी नॉट आई कैप, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है वी नॉट आई कैप, यानी कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लोंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जे और के में है। तो कह रहे हैं पार्टिकल कैसे मूव करेगा? कितने लोगों को देखते ही समझ में आ गया कि सर्कल है? कैसे कैसे परपेंडिकुलर पता लगा कि वी और बी परपेंडिकुलर है? हाँ, दो तरीके हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि एक्स पे है और क्योंकि ये वाई और जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन और एक्स में एंगल 90 होता है, सही है। और कईयों को ऐसा दिख रहा है अगर मैं वी और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूं, आई को जे के साथ जीरो, आई को के साथ जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। तो यानी कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वी और बी परपेंडिकुलर है, और जब भी वेलोसिटी बी के साथ 90 डिग्री पे है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, तो आंसर सर्कल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका स्पेसिफिक चार्ज गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल को एक्स के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? -2 kF, बोर्ड के अंदर की बोर्ड के बाहर? -kF कहां होता है? बोर्ड के इनसाइड। और के कैप कहां होता है? बोर्ड के बाहर। माइनस के कैप का मतलब क्रॉस, के कैप का मतलब डॉट, याद रहेगा। तो माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के इनसाइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है और वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, दोनों में एंगल 90, तो पार्टिकल भी मूव इन अ सर्कल। तो ये पता लग गया पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। तो आपको बताना है वेलोसिटी की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, मतलब टाइम टी इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक तो वी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको करने के लिए अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है कि मान लो ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूरे इस रीजन में कैसे है? क्रॉस है, क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस है, गिवन है उसमें माइनस के कैप के हिसाब से। पार्टिकल मूव करता है कैसे? एक्स के अलोंग, ये देख रहे हो, ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स के अलोंग, ये वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर है यहां तक? तो ये पार्टिकल ऑब्वियसली कैसे मूव करेगा? इन अ सर्कल, तो सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा, कोई डाउट इसमें? अब सर्कल में जब घूमेगा तो किसी भी टाइम टी इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन में देखो वाई कैप जे कैप में पूछ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर बताना है, तो आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए इमेजिन करते हैं कि मान लो ये पार्टिकल यहां पे कहीं था, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है एट टाइम टी इक्वल टू 1/6 सेकेंड,
यहीं कहीं रास्ते में होगा, और अगर ये रास्ते में होगा तो इसमें कुछ ऐसा अगर डायग्राम बनाएं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो इस केस में, इस केस में, और ये इसका जो सर्कल का क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, ये जो है ये सर्कल का सेंटर, ये ऐसे थीटा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्कल का सेंटर तो ऊपर कहीं बनेगा ना, जिसमें सर्कल में घूम रहे हैं, तो ये आर रेडियस में घूम रहे, आर रेडियस में घूम रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये वेलोसिटी और रेडियस 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 पे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर ने एक्स के साथ एंगल थीटा बनाना है, और ये वही थीटा है जो सेंटर पे बनेगा, ठीक है यहाँ तक। अब वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी है, और इनटू क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस वी इनटू साइन ऑफ थीटा जे कैप। तो वी कॉस थीटा आई कैप, वी साइन थीटा जे कैप, क्योंकि हमने वेलोसिटी को वेक्टर में निकालना है, तो वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। क्या स्टेप क्लियर है, मुझे चेक करके बताना, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, कितना आई कैप है, वेलोसिटी वेक्टर कितना क्वेश्चन है, 10 आई कैप है, 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है, 10 कॉस थीटा आई कैप, 10 साइन थीटा जे कैप। तो अगर मैं तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा बता दूं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, यही बच गया, फिर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो एंगल निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, तुम क्या मुझे ये बता सकते हो, टाइम टी इक्वल टू 1/6 सेकंड पे पार्टिकल का ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या बनेगा सेंटर पे, बिल्कुल सही। जब भी तुम्हें इंस्टेंटेनियस टाइम्स गिवन है स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस, और तुमसे एंगल पूछा जा रहा है, तो सर्कल के सेंटर पे स्टैंडर्ड एंगल हमेशा क्या होता है, ओमेगा टी। तो कुछ ना समझ में आए, और स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस गिवन है, थीटा बिना देखे पुट कर दो ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तुम इसमें कैपिटल टी निकाल लेना 2 पाई एम बाय बी क्यू से। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। तुम्हें इस क्वेश्चन में एम पता है, बी पता है और क्यू पता है, आप चेक कर लेना, इसका आंसर 1 सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड आएगा। तो इसके अंदर इसका आंसर, अगर ये मैं कैलकुलेशन पिछले बैच में मैंने देखा है, इससे याद है, ये मत सोचना मैंने और भी कर दी, तो ये 1 सेकेंड आएगा। और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 1/6, तो थीटा कितना आ गया, 2π/6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। इस थीटा को उठा के यहाँ और यहाँ पुट कर लो, ऑप्शन मार्क कर लो, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस टाइम अगर गिवन है तो थीटा हर हालत में ओमेगा टी ही पुट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जिन क्वेश्चंस में इंस्टेंटेनियस टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम टी इक्वल टू 1/6 सेकेंड, टाइम टी इक्वल टू 1/8 सेकेंड, तुम्हारा थीटा हमेशा ओमेगा टी ही लगेगा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देना, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आंसर आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है इसकी, ये रही, तो इसमें वैल्यू को पुट किया और आंसर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल जिसका चार्ज पर यूनिट मास गिवन है अल्फा, मतलब क्यू बाई एम की रेशियो गिवन है इसमें अल्फा, इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट आई कैप। तो वी नॉट आई कैप के साथ एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी की वैल्यू है इसमें एक्स के साथ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहां पर है, वी नॉट के कैप बोलो, बोर्ड के अंदर की बाहर। माइनस के कैप कहां होता है, अंदर।
के कैप कहाँ होता है? बाहर, सही है। तो आपको ये बताना है कि वाई की वैल्यू इसमें क्या होगी। कितने लोगों को ये ऑप्शन देखते ही समझ में आ रहा है कि कम से कम ये दो ऑप्शन तो नहीं आंसर होता? मुझे तो आ गया देखते ही। क्यों ऐसा? क्यों मैंने बोला कि ये दो आंसर नहीं है? क्योंकि नहीं, कुछ और रीजन, थोड़ा और सिंपल। हाँ ऐसा सही है, गलत नहीं है, ठीक है, मान लूंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लिया इसने, और सिंपल। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने एक चीज याद की हुई है ताकि हमें फ्लेमिंग का रूल कम से कम लगाना पड़े। रूल तो फ्लेमिंग का ही काम करता है, पर कम से कम लगाना पड़े। हमने चीज याद कर रखी है क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, यानी कि माइनस के कैप, और आपका कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें एंटर करता है, तो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यही रूल है। और कैसे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा हुआ है। पर इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड के कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ? बाहर हुआ बोर्ड के, ऐसा हुआ। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? फील्ड की वैल्यू चेंज कर दी, क्रॉस की जगह डॉट हो गया, और वेलोसिटी एक्स के अलोंग ही है। तो देखो ना, अगर एक क्रॉस होता तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आई कैप के अलोंग है, वेलोसिटी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ज जो वेलोसिटी वेक्टर है आई कैप के अलोंग है, यानी कि राइट जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करेगा, ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि क्रॉस की जगह मैंने क्या कर दिया? डॉट कर दिया। तो अगर ये क्रॉस होता और वेलोसिटी राइट की तरफ होता तो एंटी क्लॉकवाइज, डॉट की वजह से ये क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब अगर ये एक्स के अलोंग मूव करता है और क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव वाई में जाके इसको टच करेगा यहां पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y, 0। तो यही तो पूछ रहा है कि जब ये 0, y, 0 पे है, तो इसकी जो वैल्यू है किसकी? आपको ये निकालना है, ये y की वैल्यू कितनी है, ये तो निकालना है कि ये कहाँ कट करेगा, y निकाल लो। अब मुझे पता है कि इस सर्कल का सेंटर यहाँ बनेगा और ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा? 2r। तो नीचे कहाँ कट करेगा? ये डायमीटर पे जाके कट करेगा वाई एक्सिस पे, तो डिस्टेंस क्या बनाएगा? 2r। तो आपको y की वैल्यू कितनी निकालनी है? 2r। और y पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसमें y क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये बात समझ में आई कि इसका आंसर कम से कम बी और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव y दे रहा है और बाकी ऑप्शन नेगेटिव y दे रहे हैं, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। क्लियर है यहां तक? और आंसर क्या आएगा? 2r। तो अगर ये आंसर 2r है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एमवी बाई बी क्यू, मास इसके नीचे आ गया, क्यू बाई एम की रेशियो अल्फा गिवन है, पर हमें आर थोड़ा सा निकालना है, हमें तो 2r निकालना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव के साथ ऑप्शन मार्क कर दो। समझ में आ रहा है यहां तक? क्या लॉजिक लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? नेगेटिव क्यों आया समझ में आया, और ये 2r पे कहां क्यों टच कर रहा है ये भी समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है ई एंड बी, विच आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब मैथ्स की टर्म है, 90 डिग्री ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो 90 डिग्री पे एंटर करता है ई और बी, 90 डिग्री पे है, ठीक, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री है, विद वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर ई वेक्टर बी वेक्टर में एंगल 90 है, एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर।
तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है एक रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, फिर भी एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को या तुम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाओ और वो फोर्स ना लगाए? लगाएगा लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाओ और ई और बी दोनों प्रेजेंट है और फिर भी कुछ ना हुआ चार्ज पार्टिकल को, सीधा का सीधा आ गया, वो एक ही केस में हो सकता है। जब वेलोसिटी क्या होती है, ई अपॉन बी, हमने किया था वो जो सिक्स्थ केस था जिसमें डेरिवेशन की थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा आ जाए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसिल कर रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ई बाय बी, और ये वही केस है। तो वेलोसिटी यहाँ पर ई बाय बी वैल्यू रखेगी। आपको बताना है वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, मैग्नीट्यूड तो ई बाय बी है, मेरे को बात समझ में आ जाती है, तो काश यहाँ स्केलर पूछा होता मेरा आंसर ई बाय बी था, पर उसने वेक्टर पूछा, कोई बात नहीं, चलिए वेक्टर लगेगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90, ऐसा ही है। तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने मन में दो यूनिट वेक्टर मान लिया, ई वेक्टर के अलोंग ई कैप, बी वेक्टर के अलोंग बी कैप, और इनका क्रॉस ले लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से पीछे लगने से, क्योंकि यूनिट वेक्टर लेने से इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो पीछे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 1 × 1 × sin of 90, तो मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा नहीं, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाने से ये वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों के साथ एंगल क्या बना रहा है, 90। तो डायरेक्शन शो कर दी, तो वी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ई और बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है और ऊपर वेक्टर्स है यूनिट नहीं है, तो ई कैप को क्या लिखेंगे, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी ई से ई कैंसिल, बी इंटू बी बी स्क्वायर ऑप्शन मार्क होगा। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन आएगा ना यार, ये बड़ा इरिटेटिंग क्वेश्चन है, क्यों, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि यहां तक तो मैं समझ लूंगा, अब मैं मतलब ई कैप बी कैप बनाऊं और फिर अपने मन को समझाऊं कि क्रॉस भी ले और फिर मैं ऐसे मेरे से ना हो पाए, नहीं होगा, बहुत उससे नहीं होगा, मेरे से भी नहीं हो सकता, शायद मैं भी भूल जाऊं। तो फिर पहली चीज माइंड में क्या आती है, छोड़ो इस मेथड को, तो मैंने सोचा कि हिट एंड ट्रायल मारते हैं, क्योंकि हर बच्चा हिट एंड ट्रायल ही मारेगा, उसको ये तो पता लग गया कि आंसर हर हालत में क्या आना चाहिए, ई बाय बी ही आना चाहिए, वो कहता चल ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। अब ऑप्शन में जब वो न्यूमिनेटर को ओपन करता है, बी ई साइन 90, बी ई साइन 90 बाय ई स्क्वायर, तो आपके पास आंसर ई बाय बी तो बनेगा नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर में तो ई स्क्वायर आने का कोई मतलब है ही नहीं, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाती हैं कम से कम। चलो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, जैसे मैं भी शायद कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि इनके अंदर ये एक जैसे लग रहे हैं, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर, और अगर मैं इन्हें ओपन करूँगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ कि फ़र्क क्या पड़ रहा है यार, क्योंकि मुझे ये कहा गया वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और ई के, जो ये भी शो कर रहे हैं क्योंकि इसने क्रॉस यूज किया, और इसके अंदर भी ई क्रॉस बी है, तो ये भी बी वेक्टर परपेंडिकुलर है वी और ई और बी के, बात तो एक ही है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए था, बी या सी कोई मार्क कर दो, फर्क क्या पड़ रहा है, उसने कौन सा डायग्राम बताया हमें कि तुम ई यहां लो बी यहां लो, फिर तो मैं कुछ बताऊं भी, उसने कुछ बताया ही नहीं। तो आंसर तो दो बन सकते हैं, सही है, सही लॉजिक बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल के अंदर फंस सकते हैं और फंस भी जाते हैं। अब यहां पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी और सी में से कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डायग्राम गिवन नहीं है। फिर मैंने और सोचा, अभी मैंने कहा यार देखे सही इसको करके कि अब कुछ, अगर बुक्स में एक आंसर गिवन है तो कुछ लॉजिक होगा एक आंसर का, क्यों नहीं आंसर दो क्यों नहीं गिवन, फिर एक ही क्यों गिवन है। फिर मेरे को याद आई हमने डेरिवेशन की थी इसकी, चलो डेरिवेशन पे चलते हैं। अब डेरिवेशन क्या कहती थी कि ये आपका प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, नीचे की तरफ है, यही था, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, ये रहा अंदर की तरफ है, तो ई वेक्टर नीचे है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, सही है यहां तक, राइट। अब इसके अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता था, याद करो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर नीचे लगती थी क्यूई, और मैग्नेटिक फोर्स कहां लगती थी, बी क्यू वी ऊपर लगती थी, और ये आपस में कैंसिल करते थे और ये सीधा निकल आता था, ऐसी था रूल, यही रूल है,
डाउट है इसमें। तो इसके अंदर मैंने सोचा कि फ्लेमिंग का रूल ही लगा लें। तो फ्लेमिंग का जब रूल लगाया तो मैंने बी वेक्टर बोर्ड के अंदर लिया बी वेक्टर, क्योंकि फ्लेमिंग का रूल इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगता नहीं है, मैग्नेटिक पे लगता है। तो बी वेक्टर यहाँ लिया, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ लिया, तो फोर्स ऊपर आई। फिर मुझे याद आया मेरे को फोर्स पूछ कौन रहा है, मेरे से तो वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ फोर्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी कहाँ है, पॉइंट है, सही है ना। यहाँ प्रॉब्लम फ्लेमिंग से सॉल्व होने वाली है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं फिर इस कंक्लूजन पे आ गया कि प्रॉब्लम फोर्स की है, फ्लेमिंग लगेगा नहीं, तो डेरिवेशन का भी क्या करूँगा। अब फिर मैं ये सोच रहा था इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि पार्टिकल क्योंकि सीधा निकल गया तो वी वेक्टर तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वी वेक्टर तो किसी ने उठा के पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, अब वो राइट करे या लेफ्ट करे उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट है। मैं तो नहीं कुछ कह सकता कि पार्टिकल को ऐसी फेंके, पार्टिकल यहाँ से भी तो आ सकता था, तो वी वेक्टर राइट या लेफ्ट कुछ भी आ सकता है। तो मैं फिर उसी कंक्लूजन पे आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है डिपेंड करता है कि पार्टिकल की पोजीशन मींस किस तरफ पार्टिकल जाएगा, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये ई क्रॉस बी भी हो सकता है और ये बी क्रॉस ई भी हो सकता है, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है। लेकिन फिर अगर मैं याद करूं एक चैप्टर जो आपने अभी नहीं किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव करके एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी जो कि चार्ज पार्टिकल भी मूव करता है, उसका आंसर हमेशा ई क्रॉस बी ही लिया जाता है। तो फिर मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया और मैंने ये डिसाइड किया इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनेगा, ई क्रॉस बी ही मार्क करके आऊंगा, बी क्रॉस ई मार्क करके नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंसर भी कहीं ना कहीं आ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है। हालांकि मैंने इसको ऐसे भी किया, बता देता हूँ आप कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आगे, कि मैंने ई वेक्टर लिया, ई वेक्टर बोर्ड के नीचे, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, फिर मैंने सोचा कि चलो ई क्रॉस बी देखते हैं कहाँ जा रहा है। ई वेक्टर ये रहा राइट हैंड, ई वेक्टर ये रहा, वेक्टर का रूल लगा रहे हैं क्रॉस बी, ई क्रॉस बी ये रहा, तो फिर मुझे लगा वी वेक्टर इधर ही जा रहा होगा, क्योंकि ई क्रॉस बी इधर जा रहा है। अब चेक कर लो, ई वेक्टर बोर्ड के नीचे है, मैं प्लस वन का रूल लगा रहा हूँ, ए क्रॉस बी ऐसे होता है डायरेक्शन। तो इसके अंदर ये क्या है, ई वेक्टर है और बोर्ड के अंदर बी वेक्टर है, तो ये देखो थंब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब अब मैं एग्री करता हूँ ई क्रॉस बी ही होगा, बी क्रॉस ई नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर कहाँ जा रहा है, ई क्रॉस बी की तरफ जा रहा है। तो इतने झगड़े में आपने नहीं पढ़ना, आपने आंसर याद करना है ई क्रॉस बी है, ये समझा रहा हूँ इतनी देर के बाद। आपने कुछ नहीं करना, घर जाके सोचना नहीं है, ई क्रॉस बी ही मार्क करना है, बी क्रॉस ई कभी मार्क नहीं करना, खत्म होगी बात, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे उलझ सकते हैं और आधा पौना घंटा खराब भी कर सकते हैं, मत करना, ई क्रॉस बी मार्क करके अगला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर गया। अब वो क्या कह रहा है, इसका रेडियस आर होगा और क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है वो 1.5 टाइम द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, तो अगर रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ कितनी है, 1.5 आर है, यानी कि सफिशियंट जगह है जहां पर चार्ज पार्टिकल को घुमाया जा सकता है। तो पार्टिकल इसका मतलब घूम के बाहर तो आएगा ही आएगा, और हमने एक रूल किया हुआ है शॉर्टकट कि अगर पार्टिकल 90 पे एंटर करेगा तो 90 पे ही बाहर निकल के आएगा। तो ये डायग्राम बनेगा। वो कह रहे हैं कि पार्टिकल डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, तो एक पार्टिकल डेविएट हो गया, आ वो कैसे रहा था राइट, आप एंटर वे कैसे कर रहे राइट, लेकिन खिसक के कहां निकल गया लेफ्ट, तो राइट में और लेफ्ट में एंगल कितना है 180, तो आंसर क्या मार्क करेंगे 180, 90 नहीं करेंगे,
90 तब करेंगे जब वो पूछेगा कि कितने एंगल से वो बाहर निकलेगा। पर अगर वो ये पूछ ले कि पाथ डेविएटेड, पाथ का मतलब उसका रास्ता अच्छा भला राइट था पर डेविएट होके वो लेफ्ट पे आ गया, तो इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ में डेविएशन कितनी है? 180। एक ये किया हुआ है अपने क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखते कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सच में नीचे ही जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा सर्कल में। क्यों? तो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किया हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर होता तो ये कैसे जाता एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, और जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या कवर करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ नहीं नेगेटिव की तरफ, तो ऑप्शन में वाई क्या आएगा? लेस देन जीरो, तो वाई लेस देन जीरो हो गया। और नेक्स्ट पार्ट है, अगर ये यू वेलोसिटी से एंटर करता है और ये वी से बाहर निकल रहा है तो यू और वी का रिलेशन क्या है? यू इज इक्वल टू वी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करती, तो ये ऑप्शन है, किया था हमने क्लास में। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 शीट में किया हुआ है, ए माइनस बी भी मैंने से वाला सेम है, हैंड रिटन में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा है डी आंसर है इसका। ठीक है, कितने लोगों को यह पता लग गया कि तो हेलिक्स का ही क्वेश्चन है, हेलिकल पाथ है? नहीं दिख रहा हेलिकल? सबसे पहले यही तो डिसाइड करना होता है, पार्टिकल का पाथ क्या है, सर्कल है या हेलिकल है। अगर तो वी और बी 90 डिग्री है तो सर्कल है, और 90 नहीं है तो हेलिकल है। डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट जे नॉट जीरो, तो कुछ तो आंसर आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया, तो दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये पाथ रेडियस सर्कल नहीं है, ये पाथ हेलिकल है। कोई डाउट इसमें? चलो और डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक। तो ये बताओ इसमें बी वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल कितना है? इन दो को, इनकी दो की शक्लें देख के बताओ बी और वी में एंगल कितना है? 45 डिग्री, सही है 45, दिख रहा है 45 दिख रहा है? बनाओ वेक्टर्स, बी वेक्टर बनाओ जे कैप और ये बनाओ आई कैप प्लस जे कैप, दिखेगा? अपने मन से पूछो जे कैप वेक्टर कैसे दिखता है, आई कैप प्लस जे कैप कैसे दिखता है? नहीं दिखता तो फिर पहले वेक्टर देख के आओ प्लस वन के, तो दिखेगा, क्योंकि प्रॉब्लम प्लस टू की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो प्लस वन के वेक्टर्स की है। ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि ये रहा आपके पास वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है? अगर आप ध्यान से मुझे वेलोसिटी वेक्टर देख के बताएं, बोलो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या आगे बने? बोला वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप। चलो मैं ओपन कर लूं तो वी वेक्टर क्या है? वी नॉट आई कैप वी नॉट जे कैप, ये तो मानते हो? ठीक है यहां तक? तो अगर
ये वेलोसिटी वी वी वेक्टर है, तो मेरा अगला क्वेश्चन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वी ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट आई के कोफिशियंट का स्क्वायर जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रूट टू वी, अब दिख रहे, तो ये पार्टिकल रूट टू वी से मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप। अगर मैं वेक्टर्स से पूछूं कि चलो आई कैप कहां है, आपने बोला सर ये आई कैप है, ठीक है ये आई कैप है, जे कैप कहां पर है, ये जे कैप है, इमेजिन कर लो ये आई कैप है ये जे कैप है, तो मैं अगर ये पूछूं कि बताओ आई कैप प्लस जे कैप कहां दिखते हैं आपको, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये क्या दिखेगा, आई कैप प्लस जे कैप दिख रहे, और यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, रूट टू वी नॉट दिख रहा है, रूट टू वी नॉट दिख रहा है, निकाला हुआ है रूट टू वी नॉट, तो यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ रूट टू वी नॉट, आई कैप प्लस जे कैप के अलाउ, अब आई कैप जे कैप क्या है, आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, वन, जे कैप का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, वन, और अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा वन बाय वन, तो थीटा क्या आएगा, हाँ तो 45 डिग्री सही दिख रहा है, तो यानी कि अब सीधी बात यह है, अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं इससे, तो मेरे काम की चीज़ तो बस एक ही है कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, रूट टू वी नॉट के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वाई जे कैप के अलोंग है, चेक करो कितना है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर बोलना कितना है, बी नॉट जे कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, बी नॉट है, तो अब सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये वेलोसिटी और बी में एंगल कितना है 45, तो ये चार्ज पार्टिकल क्यू किस में घूमेगा, इन हेलिक्स, हेलिक्स कहां बनेगा, एक्स के अलोंग की वाई के अलोंग, बी वेक्टर के अलोंग, यानी कि ऐसा बनेगा, सही है, कोई डाउट इसमें, अब बात समझ में आ रही है, अब ऐसा बनेगा, आपको ये बताना है इसकी पिच क्या है, पिच समझते हो, एक टाइम पीरियड में ये डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, तो आप मुझे बस ये बताओ सबसे पहले कि इस वेलोसिटी का यहां का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कितना, रूट टू वी नॉट इनटू कॉस ऑफ 45, अगर ये 45 है तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, रूट टू वी नॉट कॉस 45, तो पिच होती क्या है, पिच होती है ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है रूट टू वी नॉट cos of 45 को एक टाइम पीरियड से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो वेलोसिटी है जिसके अलोंग पार्टिकल आगे मूव कर रहा है और एक टाइम पीरियड के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, और रूट टू और cos 45 तो कट जाएंगे ना, cos 45 वन बाय रूट टू होता है, तो आंसर क्या आ गया, वी नॉट इन टू टू पाई एम बाई बी क्यू, और किसकी तरफ है पिच, जे कैप, तो यहां पर क्या आएगा, जे कैप आंसर, ये पिच आएगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, आज के बाद ये क्वेश्चन आए तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं करना, ये ज्यादा लंबा है, एक लाइन में बिना पेन को हाथ लगाए आंसर आ रहा है, देखो कैसे, तो आप ऐसा करें, बोलो बी वेक्टर कहां पे है, इस तरफ है, कितना, बी नॉट जे कैप, यही है ना, बस ये बताओ वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट, यही है ना, हेलिक्स तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, बस आप ये बताओ कि इसका वेलोसिटी का वाई के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, वी नॉट, गिवन तो है वी नॉट, वाई के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, ये ना जे कैप के आगे वी नॉट, राइट तो पिच क्या होता है, वेलोसिटी वी नॉट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई, तो वी नॉट इनटू 2 पाई एम बाय बी क्यू, और डायरेक्शन कहां, जे कैप, डन आंसर, तो वेक्टर स्केलर करने की जरूरत क्या थी, जब काम वेक्टर से ही चल रहा था तो कुछ करना ही नहीं था, जे कैप के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें हेलिक्स में वो वेलोसिटी चाहिए जो बी के अलोंग जाती है, क्योंकि यही पिच क्रिएट करेगी, तो वी नॉट गिवन है, वी नॉट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई, आंसर सेम है, वो तो मैंने वैसे ही आपको डिटेल बता दिया कि देख अंदर से ऐसे दिखता है क्वेश्चन, पर तुम करेंगे नहीं, तुम लोग ऐसा करेंगे,
समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा ये बहुत इजी है। ठीक है यहाँ तक? तो मैंने इसमें शॉर्टकट ही लगाया हुआ है थोड़ा।